क्या आप भी खेलना चाहते हो फ्री फायर को अपने पीसी या लैपटॉप पे? भाई आप थक चुके हो हर एक एम्युलेटर इंस्टॉल करके, फिर भी आपका फ्री फायर नहीं चल पा रहा। आपके पास चाहे 1 GB रैम हो, ग्राफिक कार्ड के नाम पे घंटा कुछ ना हो, आप फिर भी फ्री फायर खेल सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, उसके लिए आपके पास कीबोर्ड और माउस होना चाहिए। अरे भाई तू ये क्या बात कर रहा है भाई, कंप्यूटर में खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कीबोर्ड और माउस तो होगा, तो बस इतना है तो भैया आप फ्री फायर खेल सकते हो अपने मोबाइल पे। क्यों विश्वास नहीं हो रहा? वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्यों के लिए आज हम अपने मोबाइल फोन को ही बनाने वाले हैं अपना एक महंगा कंप्यूटर, एंड उसमें हम खेलने वाले हैं फ्री फायर एकदम पीसी स्टाइल में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, अगर आप एक भी स्टेप मिस किए हो भाई तो आप नहीं खेल पाओगे अपने मोबाइल पे। जितने भी नेसेसरी एप्लीकेशंस के लिंक है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। बस फ्री फायर होना चाहिए और आपके मोबाइल पर चलना चाहिए, इतना रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए, एंड आपको पीसी का यहां पर एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो भी परमानेंट। यहां पर आपको कोई महंगे कीबोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, 3,500-4,200 वाला कीबोर्ड, 100 वाला माउस, एंड आप फ्री फायर खेलने के लिए रेडी हो। तो भाई अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई घर क्या रहो मेरे भाई, जाके सब्सक्राइब कर दो, एंड बगल में जो बेल आइकन है छोटा सा घंटा है उसको 10 दबा के आ जाओ, क्योंकि आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियो इस तरह मैं अपलोड करूंगा तो आपको फटर देना सबसे पहले मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीसी खरीदने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कीबोर्ड एंड माउस से या पीसी का मजा ले सकते हो, बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और उसमें फ्री फायर ढंग से चलना चाहिए। तो ये मेरे पास मोस्ट ये काफी पुराना 3 GB रैम वाला मोबाइल है, ठीक है, तो ये मोबाइल में मैं चलाने वाला हूं, एंड यहां से मैं दिखा दूं इसका डिस्प्ले भी कुछ काम नहीं करता, टूटा हुआ है पूरा, क्रैक्ड है। तो यार सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पास क्या क्या जुगाड़ होना चाहिए यार खेलने के लिए। सबसे पहले OTG केबल, जो कि आपको 15 या 20 रुपए में मिल जाएंगे पास के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप या मोबाइल शॉप में। दूसरी बात यार, ये चीज़ होना तो एकदम कंपलसरी, या फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हो, वही 110 रुपीज़ या 120 रुपीज़ आपके लोकल मार्केट से मिल जाएगा। और अगर आप ख़रीदना चाहोगे तो ऑनलाइन तो आपको ये 190-180 मिल जाएगा, तो लोकल मार्केट से बेस्ट रहेगा। ये USB कनेक्टर है, ठीक है, इसमें आप 4 पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग USB। तो भैया ये काम सिर्फ हमारा कीबोर्ड एंड माउस को एक साथ कनेक्ट करने का करेगा, ठीक है, ये आपको एकदम नीड है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपके पास कीबोर्ड एंड एक माउस होना चाहिए, तो कोई भी कीबोर्ड माउस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा काफ़ी पुराना है, जेब्रोनिक्स का है, 8 GB वाला है, तो जब मैं इसमें खेलता हूँ तो ये मोबाइल मेरे को 2 घंटा का बैकअप दे देता है आराम से, एंड काफ़ी OP चलता है भाई। आपके पास मोबाइल स्टैंड है तो काफ़ी अच्छा है, ये भी मैंने एक 120 या 130 रुपीज़ में खरीदा है लोकल मार्केट से, तो ये भी आपको मिल जाएगा चीप प्राइस में, तो आप ये भी ले सकते हो। ये क्या काम आएगा, इसमें आप मोबाइल रखोगे, ठीक है, मोबाइल रख के जैसे कि बस ये स्टैंड का काम करेगा, जब अपन गेम खेलेंगे तो कुछ इस तरह से अपन इसे यहाँ पर रख के ये हमारा एक डिस्प्ले का काम करेगा, ठीक है भैया। इससे पहले यार आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम ऑक्टोपस रहेगा, ये देखो मैं यहाँ से जूम करके दिखा दूँ। ये एप्लीकेशन को आपको दोस्तों सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास फ्री फायर का गेम होना चाहिए, तो सिंपली हम इस ऑक्टोपस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों इस एप्लीकेशन की, अगर आपके पास एंड्रॉयड वर्जन 5 पॉइंट से लेके 11 पॉइंट तक का कोई भी वर्जन है तो ये जो ऑक्टोपस का जो ये गेम पैड है ये आराम से काम कर देता है, ठीक है। तो सिंपली आपको इस प्लस के बटन पर जाना है, यहाँ से आपको अपना फ्री फायर को यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ मैंने फ्री फायर को अपना ऐड कर लिया। अब क्या करना है दोस्तों कि आपका जो OTG केबल है, OTG केबल को सिंपली यहाँ से आप कनेक्ट कर दो इसे ऐसे। तो ये मेरा नॉर्मल वाला OTG केबल है, टाइप सी वाला नहीं है, जो पुराने मोबाइल्स आते थे उसमें ये नॉर्मल OTG केबल लगता है, टाइप सी वाला भी आपको मिल जाएगा मार्केट से। तो भाई ये कनेक्टर से मैं अपने कीबोर्ड एंड माउस के USB को कनेक्ट कर देता हूँ, तो जैसे देख सकते हो यहाँ मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ, एंड इसे भी मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया, इसे मैं साइड रखता हूँ। लास्ट वाला जो कनेक्टर है इसमें आपको अपना मेन कनेक्टर को कनेक्ट कर देना है, ठीक है, तो इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आपको यहाँ थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों, नो डिवाइस कनेक्टेड, यहाँ पर आपका आ जाएगा डिवाइस हैज़ बीन कनेक्टेड। यहाँ पर मेरा माउस एंड कीबोर्ड दोनों कनेक्ट हो चुका है, ओके, तो कनेक्टेड यहाँ पर लिखा देगा, एंड आपका जो कीबोर्ड है और माउस है वो दोनों आपका यहाँ पर लाइटनिंग चलने लगेगा। तो भैया RGB वाला है, काफ़ी 2 घंटा मेरे को बैकअप मिल जाता, तो भाई काफ़ी है, ठीक है। ये आपको अब क्या करना है, अपने फ्री फायर वाले जो आइकन है सिंपली आपको इस पर टैप कर लेना है, एक बार टैप कर लो, स्किप कर लो, जो आपका गेम है वो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आपको नीचे स्किप कर लेना दोस्तों, तो यहाँ कुछ फीचर यहाँ पर आपको कुछ अलाउ करने बोलेगा, तो भैया अलाउ कर लेना।
तो जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो यहाँ जॉयस्टिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर आपको अपना जो कीबोर्ड है उसको आपको यहाँ पर की मैपिंग करना पड़ेगा। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको ऑक्टोपस का एक आइकन मिलेगा, सिंपली इस पर टैप करना है। यहाँ आपको गेम पैड का एक आइकन मिलेगा, इस पर जाना है। यहाँ पर आपको कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना बस, ठीक है। इसे आप मिनिमाइज़ कर लो एंड इसे सेव कर लो। तो भैया अब क्या है कि अब आपका जो कीबोर्ड का जो की मैपिंग है वो कंप्लीट होता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ से अपना एक प्रेफरेंस सेटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना आपको, बस जैसे आप पीसी पे प्ले करते हो सिंपली वैसे ही आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। बट यहाँ पर आप खेल रहे हो अपने मोबाइल के थ्रू। यहाँ पर जो है हमारा गेम चालू चल रहा है एंड यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं पूरा यहाँ पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। W से आगे जाएगा, S से पीछे जाएगा, D से लेफ्ट, S से राइट। तो भैया यहाँ से माउस का जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी यहाँ पर को मेरे को बेहतर देखने को मिल जाता है एंड पूरा आपको यहाँ पर पीसी वाला की मैपिंग देखने को मिल जाता है। स्पेस से जंप करेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ सेंसिटिविटी में अपने को कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन प्लेन से जंप करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मेरे को उतना कुछ खास यहाँ पर खेलने नहीं आता है। बट हाँ, अगर आप इसमें 3-4 घंटे प्रैक्टिस कर लो अच्छे से तो भैया इतना मेरा गारंटी है कि आप आराम से एंड प्रो प्लेयर जैसा खेल सकते हो, जैसे बड़े बड़े स्ट्रीमर्स खेलते हैं। एंड आपको कोई नीड नहीं है भैया उतने महंगे कीबोर्ड्स लेने का जो आता है 3-4 हज़ार वाला। भैया आप 200 वाले कीबोर्ड में भी खुश हो, अपन खेल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। अपन क्लॉक टावर के ऊपर आ चुके हैं तो मेरे को उतना फ्री फायर के बारे में पता नहीं है। तो चलिए अपन थोड़ा लूट कर लेते हैं। चलिए ये क्या है, हेलमेट आई थी, चलो ठीक है, शॉटगन मिल गया अपने को। बस इस तरह अपने मोबाइल से आप कीबोर्ड एंड माउस अटैच करके फ्री फायर खेल सकते हैं। एंड दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना कि भाई वो भी वो खेल पाए ये इस तरह से। तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।